मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और स्क्रीन देख पा रहे हैं जी? काइंडली मुझे जी कंफर्म सर कीजिए, जी, मुझे चैट में बेशक अनम्यूट करके आप कंफर्म कर दें। छोटा सा सेशन है जी हमारा ये, एंड दिस इज टू इनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और आपने किस तरीके से जोन सा है ऑप्ट करना है प्रैक्टिसेस को, क्या बेस्ट वे है। अगर अभी तक आपने कोई लाइव सेशंस नहीं कंडक्ट किए तो क्या क्या स्टेप्स आप जोन से हैं, किस सीक्वेंस में आप स्टेप्स लेते हैं, उस चीज को आज हम डिस्कस कर रहे होंगे जी। लाइव ब्रॉडकास्टिंग पे हमारा सेशन है और कौन कौन से टाइप के सेशंस होते हैं, कैसे आपके बिजनेस में हेल्प करते हैं, इन चीजों को हम डिस्कस कर रहे होंगे जी आज। तो आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, और अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं या उसमें कोई दुश्वारी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज सर आवाज भी जी आ रही जी है और सर स्क्रीन अस्सलाम भी आ रही है। वालेकुम, आपकी वालेकुम आवाज भी सलाम। है, स्क्रीन भी है अच्छा, आवाज भी आ रही है जी, स्क्रीन भी, जबरदस्त जी, जबरदस्त, थैंक जी, यू। ठीक सर। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं वंस अगेन जी, अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बे जिदनी इल्मा, अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा करे, आमीन जी। अच्छा जी, लाइव ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है और आपके बिजनेस में कैसे हेल्प करती है? वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि ओरिफ्लेम के चार इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, अगर आप इन पे काम कर लें तो आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। वो पिलर्स कौन कौन से हैं जी, जिनमें हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, रिक्रूटमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट और कीपिंग योर नेटवर्क एक्टिव। ये सब चीजें आप ऑनलाइन पॉसिबल कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन डिजिटल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग किसी भी ऐसे इवेंट को कहते हैं या ऐसी मीटिंग को कहते हैं या ऐसी आप समझ लें कि सेशन को कहते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट करके कोई प्रोडक्ट डेमो या ओरिफ्लेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वंस अगेन सुबह की मीटिंग से रेलेवेंट किसी भी टेंजिबल या इनटेंजिबल अपॉर्चुनिटी को लोगों के सामने पेश करते हैं किसी भी लाइव सेशन के जरिए। ये लाइव सेशन किसी भी मीडियम पे हो सकता है, इसको आप जूम पे भी कर सकते हैं, इसको आप टीम्स पे भी कर सकते हैं, इसको आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। और आपने देखा होगा आजकल बहुत से लाइव सेशंस हो रहे हैं ओरिफ्लेम हमारे लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको पता है ज़ारा डिफरेंट सेलिब्रिटीज को, ब्लॉगर्स को लेके आती हैं और आप उनके लाइव सेशंस का हिस्सा भी बनते हैं। अब नाउ दिस थिंग इज टू बी डुप्लीकेटेड, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेलिब्रिटीज को इन्वाइट करें, लेकिन आप बहुत सी इंफॉर्मेशन बहुत ही इफेक्टिव वे में ऑनलाइन कन्वे कर सकते हैं और वंस अगेन ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग में आपको हेल्प कर सकती हैं, रिक्रूटमेंट में हेल्प कर सकते हैं और इसके अलावा आप लीडरशिप डेवलपमेंट, अपने लोगों को नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं इन सेशन के जरिए और अपनी टीम्स को एक्टिव भी रख सकते हैं। आज के टाइम में आपको पता है हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हुआ हुआ है, लेकिन ओरिफ्लेम की हमेशा से ट्रेडिशन रही है और हमेशा से हम कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं जिनमें एक ट्रेनिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स आपको ट्रेनिंग्स के प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक इसी तरह आप अपनी टीम्स को भी ये प्लेटफॉर्म्स पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी ऑनलाइन इवेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेशन करना चाह रहे हैं, वो आप किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं उसकी डिटेल हम देखते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सबसे पहले आप किन किन लोगों के साथ ये सेशन कंडक्ट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है। जैसे कि आपके एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं, आपके वो फ्रेंड जो कि आपके क्लास फेलोज थे, आपके स्कूल्स के थे, आपके ओल्ड नेबरहुड के लोग थे, आपके जानने वाले या कहीं दूर दराज के आपके जानने वाले फ्रेंड्स हैं जो कि आपको जानते हैं और आप उनको जानते हैं, आप उनके साथ लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेशन कर सकते हैं, आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं, आप फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स में कर सकते हैं, आप अपना ग्रुप भी क्रिएट करके उसके अंदर भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेशन कर सकते हैं। आप ना सिर्फ ये सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बल्कि इनको पब्लिसाइज भी कर सकते हैं, मींस कि अगर आप कोई भी सेशन मेगा ओएम का जैसे हम करते हैं बहुत सारे लीडर्स जिसको बूस्ट करते हैं, इसी तरह आप भी फेसबुक पे बूस्टिंग करके बहुत सारे नए लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं अपने सेशन में। लेकिन इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए ये भी हम देखेंगे। लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जितने भी और भी ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके लोकल ग्रुप्स हैं, लाइक लेट मी टेल यू देर आर ग्रुप्स जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लेडीज खाली शामिल हैं, जैसे कि इस्लामाबाद का अगर हम ग्रुप देखते हैं, इसी तरह कराची के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लाहौर के हैं, मुल्तान के हैं, हर एरिया हर सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। आप जिनको भी टारगेट करना चाहें, वहां की ऑडियंस को टारगेट करना चाहें, आप उनको भी अपने लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेशंस में इन्वाइट कर सकते हैं।
इसके अलावा जितने भी रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है डिजिटल, आप वहां पे अपने टीम मेंबर्स के साथ लाइक जूम के ऊपर भी सेपरेटली एक्सक्लूसिव सेशंस कर सकते हैं। लेकिन इसका सेशन को आपने जो करना है स्टार्ट कैसे करना है, देखिएगा अगर हम आपकी ऑडियंस को डिवाइड करते हैं तो हम इनको तीन मेजर चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें ऐसे लोग जो कि बिल्कुल नए होते हैं, जिनको आप नहीं जानते, फॉर द फर्स्ट टाइम आप उनको अपने लाइव सेशंस में इनवाइट करते हैं। एक आपके पास नए लोगों की ऑडियंस आ गई, ये लोग आपके प्रोस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और यही लोग आपकी प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वो लोग हैं जो कि नए हैं। तो पहली कैटेगरी हमारे पास आ गई नए लोगों की। फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग आपके कंज्यूमर्स और कस्टमर्स हैं, जो आपके ब्रांड पार्टनर्स भी हैं, आप सेकेंड कैटेगरी उन लोगों की बना सकते हैं जो कि आपके अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। फिर आपके जो टीम मेंबर्स हैं, तीसरी कैटेगरी उनकी बनती है जी। इसको अगर आपने स्टार्ट करना है, आज तक आपने कभी भी कोई लाइव ब्रॉडकास्टिंग का सेशन नहीं किया, लेसे जूम पे भी नहीं किया, आपने फेसबुक पे भी कोई इवेंट नहीं किया, आप सबसे पहले अगर इसको स्टार्ट करना चाहें तो ऑलवेज स्टार्ट विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीम मेंबर्स, और उनसे फीडबैक इस चीज का हासिल करें। देखिए स्टार्टिंग के सेशंस के अंदर हर शख्स गलती करता है, आपको बेतहाशा चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको ऑडियंस मैनेज करने का चैलेंज आ सकता है, आपको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल एक आप समझ लें एक्सपीरियंस होता है। जब भी मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन सेशन किया था तो आई वॉज ऑल्सो वेरी रिलक्टेंट, मुझे था कि किस तरीके से, क्या लोगों को मेरी आवाज आ रही है, क्या लोग मेरी स्क्रीन देख पाएंगे, क्या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर सकूंगा। तो ऑनलाइन के अंदर जब भी आप कन्वर्ट होते हैं और आप ये प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली एक दफा परफॉर्म नहीं कर लेते इस एक्टिविटी को, तब तक आपके माइंड में कुछ एम्बिग्विटीज रहती है। तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर आप अपने फ्रेंड्स और अपनी टीम्स को इन्वॉल्व करें, उनका फीडबैक लें, उनके साथ बातचीत करें, आप ये नॉर्मल सेशंस भी कर सकते हैं उनके साथ, वैसे बातचीत और टेस्ट सेशंस भी कर सकते हैं। फिर आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर्स मौजूद हैं जो कि नई प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि स्किन केयर की रूटीन में इंटरेस्टेड होते हैं, आप अपने एक सेशन को अनाउंस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फेसबुक पे भी, और वंस अगेन किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उनको बता सकते हैं कि आज के सेशन के अंदर आप ओरिफ्लेम की 2 से 3 प्रोडक्ट्स जिनके नाम लिखे हुए आपके इनवाइट में, आप उसकी डिटेल और उसके बेनिफिट्स बताएंगे, और आप लाइव आके अगर आपके पास वो प्रोडक्ट आपके हाथ में मौजूद है तो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है। लेकिन अगर आप उनको स्क्रीन के ऊपर या प्रेजेंटेशन के जरिए भी दिखाते हैं तो भी लोगों को इसका इम्पैक्ट और उसके बेनिफिट्स में लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए नई प्रोडक्ट्स भी बता सकते हैं, नई ऑप्शन भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले दिनों हमारे पास लास्ट मंथ में चैलेंज बहुत ज्यादा था कि हमारे पास बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स थे, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे, आप लोगों के कंज्यूमर्स थे, वो लोगों की डिजायर्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थी। तो उस मौके के ऊपर आप उनको एक अपडेट दे सकते थे, लाइव सेशन में आके आप उनको बता सकते थे इनवाइट करके कि ये चैलेंज हमें आ रहा है, लेकिन इस टाइम हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, और इससे पहले कि ये ऑप्शंस भी खत्म हो जाएं आप लोग इनको अवेल कर सकते हैं, और उन प्रोडक्ट्स के जो आपके पास अवेलेबल थी उनके बेनिफिट्स बता सकते हैं। जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में तो आपका बिजनेस हमेशा एक्सपैंड होता है। अगर आप अपने कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट तक लिमिटेड रखते हैं, आपको पुश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू कैन ऑलवेज गिव ऑप्शंस टू देम। जब आप उनको मल्टीपल ऑप्शंस बताते हैं तो फिर आपका बिजनेस इससे हमेशा एक्सपैंड होता है, आज नहीं तो कल उनको उस प्रोडक्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी और वो आपको सबसे पहले याद करेंगे इस सिलसिले में। फिर तीसरे स्टेप्स में जब आप ये 2 ऑडियंस को टच कर जाएं, फिर आपको नए लोगों को टच करना चाहिए, यानी कि नए लोग जो कि नए प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको आपको अप्रोच करना चाहिए लाइव सेशंस के जरिए, और वंस अगेन आप उनको प्रोडक्ट के बारे में भी, कंपनी प्रोफाइल के बारे में भी, और ओरिफ्लेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी डिटेल्स लाइव इवेंट में बता सकते हैं। अब ये जो लाइव इवेंट आप लोग नए लोगों के साथ करते हैं ना, उसको हमने लास्ट पे इसलिए रखा है, इसलिए सजेस्ट करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, फर्स्ट अपनी टीम्स के साथ आप जो गलतियां करना चाहे आप कर लें, फिर आप सीख लेते हैं, फिर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास जाते हैं, और फिर आप नए लोगों के पास जाते हैं। नए लोग आपको पता है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं,
एक एम्बिगुअस स्टेटस में होते हैं मेंटली तौर पे, उनको नहीं पता होता ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए अच्छी है या नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ जो कि नए हैं, जब एक इनएक्सपीरियंस शख्स जब उनको कोई डिटेल्स बताता है तो वो कभी भी उनको अच्छे तरीके से कन्वेंस नहीं कर पाता। लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस शख्स, एक एक्सपीरियंस लीडर जब लाइव इवेंट करता है नए लोगों के लिए, तो उसको पता होता है कि नए लोग कैसे सोचते हैं और वो किन चीजों के बारे में क्लियर नहीं है, ताकि आप जब क्लियरिटी उनको प्रोवाइड करते हैं तो आप उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को मैच करते हुए कर रहे होते हैं और आप उनकी करंट चैलेंजेस को समझ सकते हैं। लिहाजा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप नए लोगों को एड्रेस करें या अप्रोच करें, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी जानने वालों को, अपने टीम मेंबर्स को, और लेट्स से अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं ऑनलाइन अपने किसी भी इवेंट या सेशन में, और आप उनको जब एड्रेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने नए लोगों को कैसे एड्रेस करना है और कौन कौन सी डिटेल्स में वो लोग इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, और उनके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो इस मौके के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल दैट मैटर्स द मोस्ट, और ये आपको एक्सपीरियंस के साथ चीजें आती हैं। आगे चल के देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन सेशंस का, ये जो आप ऑनलाइन सेशंस करते हैं इनमें क्या क्या चीजें डिस्कस आप कर सकते हैं। देखिए आपके ऑनलाइन सेशन नॉलेज शेयरिंग के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है पिछले दिन हमारे पास डिफरेंट कॉम्पिटिशन आते रहे हैं, बेतहाशा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो ज्यादा प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स आए। इसके अलावा आप प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल के अलावा डेमोज उनको दे सकते हैं, नए प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। जैसे पिछले दिनों सदफ ने ऑनलाइन सेशन कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने हेयर केयर के बारे में बताया, उसके अलावा फ्रेग्रेंसेस के बारे में बताया, इसके अलावा प्रोडक्ट नॉलेज के बेतहाशा सेशन लीडर्स कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे नॉलेज शेयरिंग इवेंट्स होते हैं जो कि लाइव होते हैं, जिसमें लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करना दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, आपने प्रिपेयर करके सेशन किया है, तो आप अपने लोगों के हर क्वेश्चन को भी एड्रेस कर सकते हैं और उनको वंस अगेन सोल्यूशन ओरिएंटेड, ब्रांड इमेज को माइंड में रखते हुए, अपने इमेज को माइंड में रखते हुए बेस्ट ऑप्शन बताएं, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप किसी को कोई भी गलत चीज रिकमेंड करते हैं अपनी नीड के लिए, तो फिर आज नहीं तो कल इसके बारे में जो उनसे उनको पता चलता है और फिर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता कंज्यूमर्स का। तो प्रोडक्ट नॉलेज शेयरिंग सेशन एक एक चीज है, एक एरिया है जो कि आपके ऑनलाइन इवेंट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर रिक्रूटमेंट एक मैं आपको कहूंगा कि बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, बहुत सारे लीडर्स के लिए। वो चैलेंज क्यों है? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लीडर्स नए लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं, स्टार्ट भी बन जाते हैं, अपना NIC डिटेल्स अपडेट करके डाउनलाइन में इंडक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाते। उसकी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती है। वो रीजंस क्या हो सकती हैं? एक रीजन इसकी ये हो सकती है कि उन लोगों को ऑर्डर प्लेस ही नहीं करना आता। दूसरी रीजन ये हो सकती है उनको 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 पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज बेहतर है, उनको किस चीज का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। तीसरा ये कि इसके बेनिफिट्स उनको नहीं पता होते लोगों को कि क्या बेनिफिट्स हैं। अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स उनके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ कंज्यूमर भी अगर वो हमारे मेंबर बनते हैं, कुछ एडिशनल ऑप्शंस को वो ऑप्ट कर सकते हैं ओरिफ्लेम, जो कि एक्सक्लूसिवली अपने नए मेंबर्स को प्रोवाइड करता है। तो आप लोग ये अवेयरनेस के सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं अपने तमाम नए लोगों के, और आप यकीन कीजिएगा मल्टीपल लीडर्स जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, मैंने उनके साथ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नए लोगों के नाम शेयर किए हैं जो कि ज्वाइनर्स भी हैं, जो कि स्टार्ट भी बन चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑर्डर नहीं प्लेस किया था। नाउ देयर इज समथिंग जो कि लैक कर रही है। आप में से भी बेतहाशा लोगों को ये चैलेंज आता होगा कि जब ऑर्डर प्लेस करने की बात आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्वाइन तक तो वो कर लेते हैं, जब उनको पता चलता है इसके कोई चार्जेस अभी हमें नहीं हो रहे तो वो ज्वाइनिंग दे देते हैं। लेकिन रिमेम्बर, हमें वो लोग चाहिए जो कि एक्टिव है, आइदर वो कंज्यूमर है, सेल्स पर्सन है या बिजनेस पर्सन है। आपने उनको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है आपकी अपनी ग्रोथ के लिए, जिसके जरिए वो सक्सेसफुली रिक्रूट हो सकें और फिर क्वालिफाइड रिक्रूट में कन्वर्ट हो सके। फिर तीसरे सेशन सेल्स के होते हैं, कस्टमर लीड्स के होते हैं, वो लोग जो कि बिल्कुल नए हैं, जिनका मैंने अभी सेशन किया, अभी पिछली वाली स्लाइड के ऊपर जिक्र किया था कि आखिर में वो लोग आपके पास आ रहे होते हैं, वो ऑनलाइन चीजों को देखते हुए, ऑनलाइन प्रैक्टिसेस को देखते हुए, आपकी प्रोडक्ट्स को देखते हुए ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो आप लोग सेल भी कर सकते हैं, और सेल करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपके लाइव डेमो इवेंट्स हैं, आपके टेस्टिमोनियल्स हैं।
आप यकीन कीजिएगा, ये टेस्टिमोनियल को अगर आप कैश करना चाहें, आप लोग पूछते हैं ना कि मैं ऑनलाइन बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप यकीन कीजिएगा, आप अगर ये ट्राई करें कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनका प्रोडक्ट फीडबैक आप जब ऑनलाइन पब्लिश कर देंगे, दूसरे लोग जब इस चीज को सुनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसको बेतहाशा कंपनीज अडॉप्ट करती है। आपने देखा होगा कि बेतहाशा एड जो आप मुख्तलिफ कंपनीज के टीवी पे भी देख रहे होते हैं, उसमें लोग कंज्यूमर्स का फीडबैक शेयर कर रहे होते हैं। बेशक वो एक फोटो शूट होता है, वो एक वीडियो शूट होता है, लेकिन उसमें बेतहाशा लोग अपने कंज्यूमर्स का फीडबैक शेयर करते हैं और कंज्यूमर आके बताते हैं कि हाँ जी, हमने ये प्रोडक्ट यूज किया, वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, और हमें ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये बेनिफिट हुआ, और अगर हम मार्केट से कंपेयर करते हैं तो ये इसके फायदे और नुकसान आते हैं। तो वो जो फीडबैक शेयर करते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आप अपनी सेल को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपका पर्सनल ऑर्डर का आपको कभी भी चैलेंज ना आए, तो आपके जो एग्जिस्टिंग आपके लोग हैं, आपके कंज्यूमर्स हैं, उनके टेस्टिमनीज, उनके छोटे से वीडियो क्लिप आप बना सकते हैं, आप खुद अपना टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने लोगों को रिकग्नाइज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, दैट ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द एरिया जिसको आप ऑनलाइन इवेंट्स के जरिए एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जितने नेटवर्क के अंदर 3% नए अचीवर्स आ रहे हैं, उनके टेस्टिमनीज, उनके फर्स्ट 90 डेज का कैसा सफर था, या जैसे ही उन्होंने 3% टाइटल को अचीव किया तो उनको कैसा महसूस हुआ, दे आर वेरी न्यू इन द बिजनेस, इसलिए उनको हैंड होल्ड करना और रिकग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये सब आपके बेनिफिट के लिए है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप किस टाइप के सेशंस ऑनलाइन इवेंट में कंडक्ट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें कैटेगरीज हो सकती है। आगे चल के बात होगी कि आप इसमें कहते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर लोगों से बातचीत करनी है तो आप उसमें बोलें क्या, अगर आप अपना फर्स्ट सेशन कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अगर दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर अगर मैं एक लीडर हूं और मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी ऑडियंस डेवलप करूं, मैं अपनी रिप्यूट बनाऊं, और उसके लिए मैं डिसाइड करता हूं कि मैं हर ट्यूजडे या वेडनेसडे वाले दिन नए लोगों के साथ बातचीत करूंगा, या संडे वाले दिन जबकि वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं किसी ना किसी जगह पे बिजी होते हैं, संडे वाले दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट का जो उनसे मैं एक सेशन करूंगा या करूंगी, और उसके अंदर मैं अपने नए लोगों को एड्रेस करूंगा। तो उसके अंदर आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, आप कौन है। लोग कंपनी के बारे में बाद में इंटरेस्टेड होंगे, पहले लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यू आर द फेशिया। आप किस तरीके से बात करते हैं, आप क्या बात करते हैं, आप क्या चीजें बता रहे हैं उनको, कौन सी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप खुद क्या करते हैं, आप किस काबिल हैं, आपकी क्या काबिलियत है, ये सारी चीजें लोग एनालाइज करते हैं, फिर आपको जो उनसा है वो फॉलो करते हैं और आपके नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जो उनसा है, दैट मैटर्स अ लॉट। आप ये बता सकते हैं कि आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया, अगर आप नए, और आपका अभी तक का जर्नी कैसा है, और आपको ओरिफ्लेम में क्या क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। लेकिन अगर आप पुराने हैं तो आप अपनी प्रॉपर स्टोरी बता सकते हैं साथ इंट्रोडक्शन के, आप कहाँ पे थे, क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं। फिर आप स्टोरी बताते हैं अपनी अपनी के आपने ओरिफ्लेम को क्यों ज्वाइन किया, आपकी शुरू में फीलिंग्स क्या थी, एंड बी वेरी मच ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरह आप लोगों की ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने से पहले फीलिंग्स थी, इसी तरह आपके सारे मैक्सिमम नए लोगों की फीलिंग्स होंगी। उनको उनको उनके दिमाग में बेतहाशा शक आएंगे, उनके दिमाग में बेतहाशा क्वेश्चंस आएंगे, उनके दिमाग में ऐसा भी आएगा कि कोई चीज उनके साथ गलत ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई वो मिस यूज ना हो जाए, कोई उनसे कोई ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट ना मांगी जाए। ये वो क्वेश्चन है जो कि हर नए शख्स के माइंड में आते हैं, और ये उनसे बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि आपके माइंड में आए थे। अगर तो आपको बहुत अरसा हुआ है और इसलिए उनको ज्वाइन किए हुए, तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चन ना आते और आप भूल भी गए हो, लेकिन यू कैन आस्क योर न्यू टीम मेंबर्स कि उनके माइंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं जब वो ओरिफ्लेम की बात करते हैं, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया या वो करना चाह रहे थे तो उनके माइंड में क्या क्वेश्चंस आ रहे थे, या कैसी ऐसी उनसे पूछिएगा, डिस्कस करके आप ये सेशन इस तरह की अपनी चीजें सेशन के अंदर एड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद वाई ओरिफ्लेम, आप लोगों ने अपने जानने वालों को ये ऑप्शन बतानी है Why they should pick Oriflame, क्योंकि Oriflame is not the only option available in the market, लेकिन Oriflame is probably the best option available in the market, और वो क्यों है।
आपने इसके बारे में बताना है, ओरिफ्लेम की एथिकल वैल्यूज के बारे में, ओरिफ्लेम के ओरिजिन के बारे में, ओरिफ्लेम की स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की क्या इसके बारे में, ओरिफ्लेम में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, कितने लोग जो उनसे हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं, ओरिफ्लेम में ऐसी क्या चीज है जो कि इसको डिफरेंट करती है बाकी कंपनी से, ये आप चीजें बता सकते हैं अपने लोगों को, और फिर आप बिजनेस प्रपोजिशन बता सकते हैं। आस्क देम अबाउट दिस कि क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो कि आपको रिस्क फ्री, इन्वेस्टमेंट फ्री, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देता हो, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती हो टाइम की। आस्क देम दिस क्वेश्चन, डू नॉट टेक देयर आंसर, लेकिन उसको इस बारे में सोचने पे मजबूर करें आप, ताकि वो अपने ब्रेन को यूज करें, और लेट देम एक्सप्लोर अदर ऑप्शन एज वेल, क्योंकि जब वो डिफरेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे इवेंचुअली वो आपके पास आएंगे। यही वजह है, आपको पता है बहुत से लोग जब ओरिफ्लेम को जाने बगैर ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं, उनके पास डिटेल्स नहीं होती, वो कुछ अरसे में ओरिफ्लेम को छोड़ देते हैं और उसके बाद दोबारा वापस आते हैं ओरिफ्लेम के पास। वाई? बिकॉज इस दफा जब वो आते हैं तो वो मार्केट एक्सप्लोर करके आते हैं, वो डिफरेंट जगहों से मुख्तलिफ चीजें सीख के आते हैं, फिर उनको पता चलता है कि ओरिफ्लेम की स्ट्रेंथ क्या है। वाई दिस कंपनी इज डिफरेंट देन ऑल द अदर कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट, ऐसी इसमें क्या चीज है, ऐसी क्या खासियत है जिसके जरिए वो घर बैठ के अपना ऑनलाइन एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं इस चीज को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है जितना आप लोग या जितना मैं डिस्क्राइब कर रहा होता हूँ इसको, क्योंकि इसमें मेहनत चाहिए होती है, आप लोगों का ब्रेन यूज होता है, यू हैव टू बी इनोवेटिव। लेकिन वंस अगेन, कौन सा ऐसा बिजनेस है दुनिया में जिसमें आपको मेहनत किए बगैर उसका सिला मिल जाए, और अगर कोई है तो उसको आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब आप मेहनत करके उसके फल को एंजॉय करते हैं उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। जब आप स्ट्रगल करते हैं लाइफ के, जब आप चीजों को सीखने के लिए कोशिश करते हैं, सो दैट इज समथिंग जो कि खुदा को भी पसंद है कि आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर जब आप उसको सिला आपको मिलता है उस चीज का, तो आपका जो इंजॉयमेंट का आप समझ लें कि मजा होता है वो दुबाला हो जाता है, वो और ज्यादा हो जाता है। तो मेहनत करना इट्स नॉट ईजी, लेकिन वंस अगेन हमारे पास सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो कि एम्बिशियस होते हैं, जो कि एक्चुअली लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं। ठीक इसी तरह लाइफ में भी सिर्फ वही लोग कामयाब हो रहे होते हैं जो कि एम्बिशियस होते हैं, जो कि कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जो कि रेडी होते हैं कुछ मेहनत करने के लिए, अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी ऑप्शंस जो मिल रही होती हैं, अगर आप अपने फर्स्ट सेशन के अंदर डिटेल्स बता रहे हैं नए लोगों को, तो ये चीजें आप बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन अपने बारे में, आप कौन है, आपकी स्टोरी क्या है, व्हाई डिड यू ज्वाइन ओरिफ्लेम, और लोगों को क्यों प्रेफर करना चाहिए, और इसमें उन लोगों के लिए क्या है। रिमेंबर वन पॉइंट कि लोग इस चीज में इंटरेस्टेड कभी भी नहीं होंगे कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, लोग इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि उनको क्या फायदा मिल सकता है। इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सेशंस को ऑर्गेनाइज करें, आप इस चीज के बारे में सोचें कि आपके लोग क्या सोचते हैं, उसके लिहाज से आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सेशंस के अंदर, अपने ऑनलाइन इवेंट्स के अंदर, अपने जो आप इवेंट्स ऑनलाइन के अलावा, लैसे आप अगर कोई रिकॉर्डिंग भी शेयर कर रहे होते हैं, आप कोई ऐसी आप डिटेल्स इंफॉर्मेशन, लैसे हाउ टू प्लेस फर्स्ट ऑर्डर, आपने उसकी छोटी सी वीडियो बना ली हुई है, देन यू नीड टू शेयर इट विद पीपल। लेकिन ऑल्सो जो आपका लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेशन होता है, जो आप लाइव इवेंट्स कर रहे होते हैं, उनका इम्पैक्ट ही टोटली डिफरेंट होता है। आई एम श्योर अभी मेरे पास सिस्टम 20 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर मैं आपको ये वीडियो भेज देता बना के सेशन की वीडियो भेज देता ना, तो आप यकीन कीजिएगा आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए शायद आपको तसल्ली हो जाती कि हमारे पास वीडियो है, जब टाइम होगा हम देख लेंगे, तो आप अगले 7-8 दिन भी शायद उस वीडियो को ना देख सकते, या 2-2, 4-4 मिनट का आप सेशन लेते हैं, उसके बाद उसका इम्पैक्ट भी वो ना होता। लेकिन लाइव इवेंट के लिए आप जो 15-20-25 मिनट निकाल के आए हैं, इसके अंदर आप शायद एक आधी नई चीज सीख लें आज, ये हो सकता है आप मोटिवेट ही हो जाए कि आपको भी एक इवेंट करना चाहिए, क्योंकि देर इज नथिंग टू लूज, देर इज नथिंग लाइक दिस कि आपको को खुदा ना खास्ता इसका नुकसान हो सकता है आपके लाइव इवेंट्स का, और अगर खुदा ना खास्ता आपका लाइव इवेंट नहीं भी ठीक होता आज, तो कल वो बेहतर हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं, और आप में से जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये बहुत सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं आज के सेशन का पर्पज आप लोगों को इनकरेज करना है ऑनलाइन लाइव इवेंट्स के लिए, क्योंकि वंस अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइव अपनी टीम्स के साथ कनेक्ट हो, उनके क्वेश्चन आंसर्स को एड्रेस करें, बाकी चीजों के बारे में आप उनको बताएं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये चीजों को अगर आपके इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क देम राइट नाउ। डोंट होल्ड योर क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन है आपको लगता है कि लाइव सेशन के अंदर क्या चैलेंज आता है, मैं किस तरह सेशन करूं, किस तरह लोगों को इनवाइट करूं, किस तरह फायदा हो सकता है, अगर आपको स्पेसिफिकली किसी भी एरिया के बारे में पूछना चाह रहे हैं, यू कैन आस्क राइट नाउ। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, ये मेरे पास एक प्राइवेट में क्वेश्चन आया है कि प्रोडक्ट नॉलेज आप कहाँ से ले सकते हैं अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट का देना है। ये देखिएगा, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ दोबारा। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट का नॉलेज सेशन करना है, आप शेयर करना चाह रहे हैं नॉलेज, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। ये देखिएगा जी, ये स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे ओरिफ्लेम की वेबसाइट ओपन कर, ठीक है जी। आई होप यू ऑल कैन सी दैट, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। यस सर, नजर आ रही है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। ये देखिएगा, अगर आपने, जैसे कि मेरे क्वेश्चन आया प्राइवेट में कि अगर आपने बेसिकली प्रोडक्ट नॉलेज लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे शॉप के ऑप्शन में आ जाता हूँ, अभी मैंने अपना लॉगिन नहीं किया हुआ, आप लॉगिन करेंगे तो आपको ज्यादा ऑप्शंस नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने लेस से लॉगिन नहीं भी किया हुआ तो आप सिंपली यहाँ पे शॉप के ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे हमारे सेट्स आ रहे हैं, कैटलॉग्स आ रही हैं, स्किन केयर रूटीन आ रही है, मेकअप आ रही है, फ्रेग्रेंसेज आ रही हैं, बाथ एंड बॉडी की डिटेल्स आ रही हैं, हमारे पास हेयर केयर आ रही है, एक्सेसरीज आ रही है। आपने जिस भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, लेट्स से मैं स्किन केयर में आया हूँ और मुझे सन जोन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि व्हाट इज सन जोन, ये क्या चीज है, सन गर्मियों में जरूरत होती है, सर्दियों में भी जरूरत होती है, इसमें क्या खासियत है, ये क्या चीज है, ये क्या क्रीम है, इसकी डिटेल के बारे में, या क्रीम है या क्या है, इसकी डिटेल्स के बारे में मैं डिटेल्स जानने के लिए सिर्फ इस पर क्लिक करूंगा और ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पास इसके हवाले से काफी डिटेल्स आ गई है कि सन जोन हैज कंबाइंड यूवीए एंड यूवीबी फिल्टर्स विद एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई फॉर अ जेंटल फॉर्मूला दैट प्रोटेक्ट्स योर फैमिली स्किन, ऑफरिंग अ रेंज ऑफ सन केयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सन प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्शन, ब्यूटिफुल सेल्फ टैनर एंड सूदिंग आफ्टर सन प्रोडक्ट्स। अभी देखिएगा, अगर तो आपको इसका मतलब समझ आ जाता है, ठीक है, सो दैट इज वंडरफुल। लेकिन इन केस आपको इसका मतलब नहीं समझ आता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको इंग्लिश नहीं समझ आती या चैलेंज आता है उसके अंदर, उनको एक्सप्लेन नहीं करना आता, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, विटामिन ई की डिटेल्स नहीं पता, ये आपके पास जो अल्ट्रावायलेट जो रेज आ रही होती हैं जो कि आपकी स्किन को खराब कर रही होती है, सन रेज, ये आपको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर मुझे इसका लैसे मतलब नहीं पता तो मैं यहाँ पे एक और गूगल की वेबसाइट यानी कि एक और ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे ट्रांसलेटर लिखता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ठीक है, मैं सिर्फ इसको सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे मैंने इंग्लिश को टाइप किया है और यहाँ पे जोन सा है मेरे पास उसका मतलब लिखा हुआ आ गया उर्दू में। वो क्या है जी, सन जोन ने एक नरम फॉर्मूला के यूएवी यूएवी रेज, अब आपको ये चीज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं भी पता ये भी आप गूगल कर सकते हैं, ठीक हो गया, फिल्टर्स को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के साथ जोड़ दिया है जो आपके घर के यानी कि कुंबे का मतलब होता है खानदान की जिल्द की हिफाजत करता है, सूरज की देखभाल करने वाली मसनूआत की एक रेंज की पेशकश जिसमें सूरज की हिफाजत खूबसूरत, अब देखिएगा यहाँ पे सारा इसका मतलब ही निकल आया, इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन भी हमने कर लिया। अब जैसे हमें यूए हमें पता नहीं है कि यूवीए रेस क्या होती है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हमने यूवीए रेंज रेस को सर्च किया जी कि क्या है जी यूवीए रेस क्या होती है जी, ये देखिएगा जी, अनलाइक यूवीबी रेस, यूवीए रेस क्या होती है, इसकी सारी हमें एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल गई है, ठीक हो गया जी। दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, ये एक रेज है जो कि ओजोन हमारे पास जो हमारा एटमोसफेयर है वर्ल्ड के इर्द गिर्द जो कि दुनिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपने देखा होगा जो मिटेयर्स होते हैं जो कि आपने देखा होगा जिनको हम उर्दू में वो भी कहते हैं शोहाबे साकिब या कुछ ऐसे करके, जो डिफरेंट स्टोन्स हमारे स्पेस में मौजूद हैं वो आके हमारी जमीन को लगते हैं तो हम जिसे कहते हैं सितारा टूट गया, तो वो एक लेयर है इर्द गिर्द एटमोसफेयर की जिसने वर्ल्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है।
लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको वो लेयर नहीं रोक सकती। इसके अंदर से हमारे पास यूवीबी रेज भी होती हैं, यूवीए रेज भी होती हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए खराब होती हैं, इनको भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्रीम बनाई गई है। अब जब आप ये डिटेल्स लोगों को एक्सप्लेन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इसका फायदा क्या। आप ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है, यूएवी, यूवीएबी, आरवीबी, यूवीबी की भी हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स मौजूद। ठीक है जी, ये देखिएगा अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, ये दो हैं जो कि आपकी स्किन की डिफरेंट लेयर्स को इम्पैक्ट दे रही होती हैं। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन राइट नाउ। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बात वंस अगेन वही है कि अगर आप थोड़ी सी सर्च करते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स को देखते हैं, यू कैन इंस्पायर योर पीपल। तो ये इस तरीके से आप सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स आप कहीं से भी हासिल करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉग इन करके करेंगे तो आपके पास बेतहाशा ट्रेनिंग्स की पीडीएफ भी वहां पे मौजूद है। अभी देखिएगा ये कॉलेजन की अगर हम बात करते हैं, इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं हमारे पास इसमें क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ब्रांड ए टू जी, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स आ गई हैं। कॉलेजन क्या करता है जी, ये देखिएगा इसकी डिटेल्स है फॉर वुमेन जो कि 35 प्लस ईयर्स ओल्ड है, हु वांट टू कीप देयर स्किन प्लम एंड यूथफुल, जो कि अपनी स्किन को ठीक रखना चाहती हैं। ये जो हमारे पास पेटेंट टेक्नोलॉजी है विद हाइलोरोनिक एसिड firms your skin and enhances natural collagen production. आपको पता है collagen क्या होता है जी, हमारे पास जो skin की elasticity है इसको collagen कहते हैं, उसको जो maintain करता है या वो उसको सख्त करता है या firm एक look लेके आता है, तो collagen की हमारी range इस चीज में आपको help कर सकती है। So these are all the details जो कि हमारे पास available है। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ example के तौर पे बता रहा हूँ, I know there will be options जो कि अभी आपको नहीं मिल रही होंगी, लेकिन try to understand this part कि आपके पास हर चीज हमारी website पे available है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, लेट्स से मैं यहाँ पे किसी भी एक आइकॉनिक लिपस्टिक के ऊपर जोन सा ये क्लिक कर देता हूँ जी, ये देखिएगा इसकी स्पेशलिटी क्या है, मैं इसके बारे में भी स्टडी कर सकता हूँ। ये देखिएगा जी यहाँ पे डिफरेंट लुक्स की हमारे पास आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हाउ टू अप्लाई दिस एंड यू कैन टेल दिस फॉर टू योर पीपल ना। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास हाउ टू यूज की ऑप्शन आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, जोर्डानी गोल्ड रेवोल्यूशनरी टेक्सचर ट्रांसफॉर्मिंग फ्लूइड लिपस्टिक्स इवॉल्व्स इनटू अ सेंसेशनल मैट फिनिश। अब इसके अंदर मैट फिनिश आ रही है और क्या है जी, जोर्डानी गोल्ड की इसकी डिटेल्स आ रही है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके अंदर, यहाँ पे जो जो इंग्रेडिएंट्स जो उनसे हैं इसके वो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। देर आर सर्टन केमिकल्स जो इसके अंदर यूज हुए हैं, लेकिन दीज आर हार्मलेस केमिकल जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं और वो सारे यहाँ पे मैंशन भी है। वंस अगेन याद रखिएगा ओरिफ्लेम दुनिया के स्ट्रिक्टेस्ट रूल्स को फॉलो करता है, जो कि यूरोप के हैं और मिडिल ईस्ट के भी स्ट्रिक्टेस्ट जाने जाते हैं, लेकिन यूरोप के हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स इज वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। हम उनको ढेर कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन रूल्स हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स को देखते हुए बनाई जाती हैं, जहाँ पे इसकी सारे इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं जो कि वंस अगेन दीज आर हार्मलेस, कोई इसके अंदर वो नहीं है कि कोई चीज़ नुकसान कर सके। और उसके अलावा आपने अप्लाई कैसे करना है, अबाउट जोर्डानी गोल्ड इसके बारे में डिटेल्स अगर आपको चाहिए कि 40 साल की बैकग्राउंड है, तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, आई कैन ऑल्सो टेल यू दीज डिटेल्स, लेकिन रिमेंबर जब आप बताएंगे उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। अभी देखिएगा इसके ऊपर एक और चीज लिखी हुई है, SPF 15। अब SPF क्या था जी, अब वंस अगेन ये जो सन प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, आपके लिप्स पे भी वो रेज डैमेज कर रही होती हैं, तो ये आपको वो भी आप लिपस्टिक के अंदर भी ये वाला एलिमेंट शामिल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जब आप अपने लोगों को बताते हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेशन में, दे एक्चुअली गेट इंस्पायर्ड, दे एक्चुअली वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। और आपको कैसे पता चला, इट वॉज अ वंडरफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ लीडर राइट नाउ, वो ये कि कैसे हमारे पास डिटेल्स आएंगी, तो हमारी वेबसाइट पे हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स, उसके बेनिफिट्स, हाउ टू यूज, इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ मेंशन है। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? अच्छा जी, आपके क्वेश्चन ठीक, आई कैन सी जी। अच्छा, नए लोग ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ज्यादा से ज्यादा नए लोग लर्न कर सकते हैं जी। हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है सर, मैं बहुत सारी ट्रेनिंग जी जी बिल्कुल मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहा होता हूँ, और मैक्सिमम जोन्स ये नए लोग आप बिल्कुल आपके लीडर्स भी कंडक्ट करते हैं, मैं भी कंडक्ट कर रहा होता हूँ। इसके अलावा हमारे पास वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब ऑफिशियल को सर्च करते हैं अगर, वहाँ पे आपको ओरिफ्लेम का ऑफिशियल पेज जो नजर आता है, चैनल नजर आता है, वहाँ पे बेतहाशा वीडियोस हैं। देखिए ये सारी चीजें जो आपके लिए अवेलेबल की जाती हैं और जो लाइव सेशन आते हैं, दैट इज जस्ट फॉर योर ग्रूमिंग, ताकि आप लोग ग्रो कर सकें। वंस अगेन आप लोगों की ग्रोथ के लिए सिस्टम को अंडरस्टैंड करना
ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो थैंक यू वेरी मच मैम इकरा फॉर एड्रेसिंग दिस कंसर्न रेज्ड बाय मैम बुशरा. हमारे पास बिल्कुल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, दिन में दो सेशन इस टाइम मैं कंडक्ट कर रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे, तो आप उनको अटेंड भी कर सकते हैं 12 से 3 बजे तक. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेशंस के हवाले से प्लीज डू लेट मी नो. अदरवाइज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अगर आपने अभी तक लाइव ब्रॉडकास्टिंग इवेंट्स या सेशंस इवन के जूम के ऊपर ट्रेनिंग्स नहीं कंडक्ट की स्टार्ट डूइंग इट. कल के दिन के अंदर मैंने बताया था जूम के ऊपर आप कैसे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके नए लोगों से एड्रेस कर सकते हैं. आज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको फेसबुक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको आसान लगता है आप उसके ऊपर करें. क्यों? क्योंकि आप इसके जरिए प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं, आप रिक्रूटमेंट टिप्स भी दे सकते हैं लोगों को, आप रिक्रूटमेंट होने के लिए इंकरेज कर सकते हैं उन लोगों को, रिक्रूट बना सकते हैं उनको. इसके अलावा आप अपने लोगों को डेवलप कर सकते हैं, नॉलेज के बारे में बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज के सेशन में जैसे हो सकता है कुछ लोगों को, वैसे मोस्टली लोगों को पता होगा कि हमारे पास डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है वेबसाइट पे, इंग्रेडिएंट्स हैं वहाँ पे, सारे प्रोडक्ट्स लिखे हुए, बेनिफिट्स लिखे हुए हैं. लेकिन हो सकता है किसी को ना भी बताओ, तो हो सकता है कि उनको हेल्प हो जाए. तो प्लेटफॉर्म्स का फायदा ये होता है इकट्ठे बैठ के जब कोई क्वेश्चन करता है बाकी लोगों को भी उसमें हेल्प हो जाती है. ठीक हो गया? सो दिस इज समथिंग जो कि डुप्लीकेट करनी है आपने अपने नेटवर्क में, नए लोगों में अपने अंदर ये स्किल डेवलप करना है कि आप ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर सके. एंड डोंट वरी, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम एज वेल फॉर एवरीथिंग. हर एक चीज के लिए पहली दफा एक आप जब काम करते हैं तो पहली दफा ही होता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपको आदत हो जाती है तो वो आसान हो जाता है. ठीक है जी? तो आपका कोई जोनसा है, कोई भी क्वेश्चन है फ्रॉम न्यू लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं, टिप शेयर करते हैं. मैंने सुबह के सेशन के अंदर भी बताया था मैम शमशाद, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. अगर आपने ग्रो करना है अपने लिए एक प्लान बनाए सबसे पहले आप, जिसमें सबसे पहले आपने प्रोडक्ट नॉलेज लेना है और इफ्लेम के सिस्टम को समझना है और मार्केट को समझना है. ठीक है? फिर आपके पास जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं, आपके जो लीडर हैं, अपनी अपलाइंस को देखें, उनसे पूछें, टिप्स लें, उनसे सीखें आप, क्योंकि वो लोग जो कि आपकी तरह के ग्रो हुए हैं उन्होंने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया है. और बहुत से हमारे लीडर्स, हमारे मेजोरिटी लीडर्स माशाल्लाह दे ऑलवेज शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो अपने लीडर से पूछें. एट टाइम्स हो सकता है आपको लगे कि वो आपको ठीक चीज नहीं बता रहे, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं और वो आपको किसी ना किसी वे में हेल्प करता है. उनसे सीखे. वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लें और इफ्लेम का सिस्टम समझें, मींस के ट्रेनिंग्स अटेंड करें, उसके बाद मार्केट को समझें और अपने 3 महीने के टारगेट के ऊपर फोकस रखें. जब आप नए लोग होते हैं ना तो आपको ऑर्डर प्लेस करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ओरिफ्लेम ऐप कैसे यूज करनी है, ये सब चीजों की हमारे पास ट्रेनिंग्स मौजूद हैं. इन सब चीजों के बारे में आपके लीडर्स आपको बता रहे होते हैं. वेलकम प्रोग्राम 1-2-3 अवेल करें, अपना 100 BP का टारगेट कैसे आपने अचीव करना है उसके बारे में सीखें, क्योंकि आपने मिनिमम आपने कोशिश करनी है कि आप वेलकम प्रोग्राम 1-2-3 को अवेल करें, मिनी वेलकम प्रोग्राम, सेल्स एक्शन, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम आपको बेनिफिट मिलते हैं ओरिफ्लेम के अंदर. सिर्फ जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपको बेनिफिट मिलते हैं, उसके बाद पुराने लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिल रहा होता वेलकम प्रोग्राम 1-2-3 का. तो इन चीजों को अवेल करें, सीखें और स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाएं. दिस इज हाउ यू कैन ग्रो. वंस अगेन ओरिफ्लेम में आप एकदम ग्रो सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप इन सारी चीजों को समझ लें. अगर इन चीजों को समझे बगैर आगे जाएंगे तो फिर आपको चैलेंज आएगा और आप लॉस्ट हो जाएंगे एट किसी ना किसी पॉइंट, और वहां पे फिर आपको आगे ग्रो नहीं आप कर सकेंगे. अपनी फंडामेंटल जो आपकी बेस है उसको आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, अपने नॉलेज की बेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. हाँ जी, और किसी को कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें, स्टिल हैव 2-3 मिनट्स, उसके बाद फिर मेरा एक और सेशन है. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू नॉट टू हेजिटेट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क राइट. चलें जी, जबरदस्त जी, सेशन को एंड करते हैं और थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग और विश यू लक विद योर फर्स्ट सेशन जो आप कंडक्ट कर रहे होंगे अपनी टीम्स के साथ. और घबराइएगा नहीं, वंस अगेन जी इट्स वेरी इजी. वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल फाइंड आउट हाउ इजी इट वाज. ठीक है? लिहाजा थोड़ी हिम्मत करके अपने ऑनलाइन सेशंस करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं. यू शुड स्टार्ट डूइंग इट, आपको ये करना चाहिए. ठीक हो गया जी? जबरदस्त जी, जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. फी मानिला जी, अल्लाह हाफिज.
Thank you.